माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग वर्कशीट से डेटा सर्च करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है जिसमें अलग अलग शीट्स पर अलग अलग सिटीज का सेल्स डेटा दिया गया है मंथ वाइज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ समरी वाली शीट पर इस सर्च बॉक्स में जिस भी सिटी का नेम आप टाइप करेंगे उस सिटी का सेल्स डेटा यहाँ मंथ वाइज सर्च हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी सिटी नेम नहीं एंटर किया गया है तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड दिख रहा है सेल्स में। यहाँ पर हम सिटी नेम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया आगरा, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा सिटी का सेल्स डेटा मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो गया है। सिटी नेम हम टाइप करेंगे लखनऊ, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। ये आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेटा एक्यूरेट है। जो भी सिटी नेम आप यहां पर टाइप करेंगे वो सिटी का डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। जितने भी सिटीज की वर्कशीट्स यहां पर अवेलेबल होंगी उनमें से जो भी नेम आप यहां पर एंटर करेंगे तो उस सिटी की वर्कशीट का डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे, इसके लिए ये B3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सर्च। इस सेल में हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो इस सेल में है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉन्ट साइज थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे तो होम पर जाएंगे और यहां से फॉन्ट रखेंगे 14। अब इन सेल्स को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। यहां से कोई लाइट ब्लू कलर फिल करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे और बोल्ड रखेंगे, फॉन्ट साइज रखेंगे 12। अब यहां पर इस आइकन को हम प्लेस कर लेंगे यहां पर। यह आइकन आपको गूगल पर मिल जाएगा सर्च आइकन के नाम से। अब यहां पर देखिए अलग अलग शीट्स पर अलग अलग सिटीज का डेटा दिया गया है। फिलहाल हमारे पास ये चार शहरों का डेटा है, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ और आगरा। वापस समरी शीट पर आएंगे तो यहां पर हम चाहते हैं कि जिस भी सिटी का नेम यहां पर टाइप करें उस सिटी का सेल्स डेटा यहां पर मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इस सेल को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम यहां पर एक्सेल का मोस्ट पॉपुलर फंक्शन वी लुकअप अप्लाई करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, ये देखिए वी लुकअप फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, वी लुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहां पर ये मंथ नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ का सेल्स डेटा हम सर्च कर रहे हैं, कॉमा वी लुकअप फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है टेबल अरे, यानी जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। हम क्योंकि यहां पर सेल सर्च कर रहे हैं मंथ के लिए तो वो यहां पर इन सीट्स पर है अलग अलग, तो यहां पर ये डिसाइड नहीं है कि किस सीट से डेटा हमें अभी यहां पर सर्च करना है। फिलहाल के लिए अभी हम यहां पर किसी एक वर्कशीट के डेटा की रेंज को टेबल अरे में दे देंगे। तो यहां पर हम ये लखनऊ वाली शीट पर आएंगे और इन रेंज को यहां पर सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। F4 प्रेस करेंगे, कॉमा वी लुकअप फंक्शन का नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो कॉलम नंबर जिस कॉलम में आपकी इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर हम सर्च कर रहे हैं सेल्स और सेल्स है यहां पर दूसरे कॉलम में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पर हम देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी मंथ की सेल्स आ गई हैं। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य सभी मंथ्स की सेल्स यहां पर विजिबल हो जाएंगी। परंतु यहां पर ये जो डेटा आया है वो डेटा आया है लखनऊ सिटी का डेटा, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जो भी सिटी नेम यहां पर लिखा हो उस सिटी का डेटा यहां पर मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए हम यहां पर वीलुकअप फंक्शन में टेबल अरे को डायनेमिक बनाने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सेल को सिलेक्ट करेंगे,
F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल एरे में रेंज है वो है लखनऊ वाली वर्कशीट की। तो ये वर्कशीट नेम से पहले हम इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो इनडायरेक्ट टाइप करेंगे, ये देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन उस सेल की वैल्यू रिटर्न करता है जिस सेल का रेफरेंस हम इनडायरेक्ट फंक्शन में देते हैं। तो यहां पर हम ये जो टेबल एरे की रेंज है इनको डायनेमिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर सिंगल कोट को डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। तो डबल कोटेशन का साइन लगाएंगे, सिंगल कोट का साइन लगाएंगे और फिर से डबल कोट। और क्योंकि हम यहां पर इस सेल को कॉन्केटिनेट करेंगे तो एम्परसेंट साइन लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस सेल का एड्रेस यहां पर आ गया है C3। और क्योंकि हम यहां पर फंक्शन को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो इन रेंज को F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब यहां से ये वर्कशीट नेम को रिमूव करेंगे और एम्परसेंट साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन का साइन लगाएंगे और सिंगल कोट का साइन लगाएंगे। अब यहां पर ये जो रेंज है टेबल एरे की इनके लास्ट में हम डबल कोटेशन साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बस इतना ही करना है और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अब ये वाराणसी सिटी का जनवरी मंथ का सेल्स डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है, सर्च हो गया है। अब यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर वाराणसी का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। ये वाराणसी वाली शीट पर आएंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं। वापस समरी शीट पर आएंगे, अब जो भी सिटी नेम हम यहां पर टाइप करेंगे उसी सिटी का सेल्स डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा मंथ वाइज। अभी हम यहां पर टाइप करते हैं आगरा, एंटर करेंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं आगरा का सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए यहां सर्च बॉक्स में कोई भी नेम नहीं है, इसको हम यहां से डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रेफरेंस एरर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हम यहां फंक्शन में इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और वी लुकअप से पहले इफ एरर अप्लाई करेंगे, यानी यहां पर जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है वो एरर रिटर्न करता है। तो हम चाहते हैं यहां पर लिखा आ जाए नो डेटा फाउंड, इसको हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे नो डेटा फाउंड को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर नो डेटा फाउंड आ गया है, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। इसकी खूबसूरती यह है कि मान लीजिए एक नई वर्कशीट पर एक नए सिटी का डेटा एंटर हो जाता है या आ जाता है तो उस सिटी का डेटा भी आप यहां पर सर्च कर पाएंगे। जैसे यहां पर ये वाराणसी वाली शीट है, इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं यहां पर और इसको ट्रैक करके हम यहां पर लास्ट में रखेंगे। इसको मान लीजिए हम नेम दे देते हैं मेरठ और यहां डेटा में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। समरी शीट पर आ जाएंगे और ये मेरठ सिटी को यहां पर टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरठ का डेटा भी यहां पर सर्च हो गया है। ये आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप विलुकअप फंक्शन के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करके आप अलग अलग शीट से डेटा सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।